हेलो गाइस, वेलकम टू सर्किट इफेक्ट। तो चलिए फ्रेंड, आज इम्पेक्स का होम थिएटर रिपेयर होने के लिए हमारे शॉप पे आए हुए हैं। तो आज इस होम थिएटर में क्या प्रॉब्लम है इसके बारे में डिस्कस करेंगे और आपको इस प्रॉब्लम को ठीक करके आपको दिखाएंगे फ्रेंड। तो चलिए, यहाँ पर पावर देते हैं। यहाँ पर होम थिएटर में होमिंग आ रही है, वो भी बेस वाली होमिंग, और आउटपुट स्पीकर में भी एक होमिंग आ रही है। तो इस प्रॉब्लम को इजीली कैसे सॉल्व कर पाएंगे आज इस वीडियो में आपको बताएंगे। देखिए, आप होमिंग देख पाएंगे, कुछ इस तरीके का होमिंग यहाँ पर आ रही है फ्रेंड। तो फ्रेंड, ये होमिंग इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो वीडियो पर बने रहिएगा, और जो चैनल पे न्यू है फ्रेंड, पे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी जाके इजीली इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाइएगा। तो चलिए फ्रेंड, मैं यहाँ पे इस होम थिएटर का बैक साइड को खोल ले रहा हूँ, जो कि इम्पेक्स होम थिएटर का बैक साइड में है। तो आपका कौन सा साइड में है वो आप अपना देख लीजिएगा, उस हिसाब से आप अपना ओपन खोलिएगा, उसके बाद ही अब अपना प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए, मैंने बैक साइड को ओपन कर लिया हूँ। और देखिए फ्रेंड, यहाँ पे बैक साइड में बेस का भी होमिंग आ रही है और स्पीकर का भी होमिंग आ रही है। तो यहाँ पे दो आईसी इसमें डैमेज है और एक आईसी ठीक है जिसमें आवाज़ आ रही है, और एक आईसी में भी साउंड आ रही थी। तो दो आईसी का ही प्रॉब्लम है। अगर तीनों का तीनों आईसी में आता है फ्रेंड, तो कैपेसिटर का प्रॉब्लम होती है। कैपेसिटर एक बार चेक करना पड़ता है और वोल्टेज को चेक करना पड़ता है। उसके लिए मैं एक वीडियो बना के रखा हूँ, जो हमारे चैनल पर बनी हुई है, उसको जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर दो आईसी में प्रॉब्लम कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पर दोनों का दोनों आईसी चेंज करेंगे और यहाँ पे चेंज करके आपको दिखाते हैं इजीली प्रॉब्लम को सॉल्व करके। तो बहुत ही शॉर्टकट ट्रिक मैं बताने का यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप इजीली इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। ये ट्रिक फ्रेंड 99% आपका काम करेगा, 1% चांस होगा जो कि किसी कारणवश आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाए। तो 100% ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए, आप आईसी को खोलते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे हमारा ये बोल्ट खोल नहीं पा रहा, तो यहाँ पे किसी कारण बस मैं खोल नहीं पाया, इसके कारण हमारे यहाँ पे एक आईसी डैमेज हो गया। और डैमेज होके मैं यहाँ पे अच्छी तरीके से नट स्क्रू को खोल लिया, क्योंकि खोलना बहुत ही मुश्किल था। तो चलिए, यहाँ पे इसको निकाल लेते हैं। बहुत ही मेहनत करने के बाद मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके का ओपन नहीं कर पाया। तो आईसी का नट बोल्ट नहीं खुले, तो आप अपना कोई भी दिमाग लगा लें। तो मेरा जो दिमाग था, मैंने यूज करके इसको ओपन कर लिया हूँ। और चलिए, मैं अभी आपको आईसी भी लगाने के बारे में दिखाऊंगा। तो ये हमारा ओपन हो गया है। यहाँ पे तीनों का तीनों आईसी न्यू लगाएंगे। दो आईसी प्रॉब्लम थी, दो आईसी लगाने से भी हमारा प्रॉब्लम ठीक हो जाता। अगर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, तो तीनों का तीनों आईसी आप अपना चेंज कर सकते हैं। तो तीनों ऐसे चेंज कर देंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा जो होने का है। तो नया नया है तो आप तीनों ऐसे चेंज कर दें, या दो ऐसे चेंज करके आप अपना देख सकते हैं फ्रेंड। तो ऐसे का कोई ज़्यादा प्राइस नहीं है, 20-30 रुपया 15 रुपया करके दाम आपको मार्केट में मिल जाएगा, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पर इसको इंस्टॉल करके दिखाते हैं ऐसे आपको। इसी जगह में मैं आईसी को इंस्टॉल करूंगा। आईसी को कैसे ओपन किया, कैसे खोला, सोल्डरिंग का डिसोल्डरिंग कैसे किया, इसके बारे में वीडियो देखना था हमारे चैनल में जाके अब होम थिएटर से रिपेयरिंग वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पे फ्रेंड न्यू आईसी को यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं।
तो चलिए फ्रेंड, हमारा तीनों तीनों आईसी यहाँ पे अच्छी तरीके से लगा लिया हूँ। और फ्रेंड यहाँ पे अब इसको सोल्डिंग करेंगे। तो फ्रेंड मैंने यहाँ पे सभी आईसी को सोल्डिंग कर लिया हूँ और अब मैं इसको होम थिएटर में फिट करके और इसको स्टार्टिंग करके दिखाऊंगा। और फ्रेंड मैं यहाँ पे एनसी थिनर है हमारे पास, ये पॉलिश रिमूवल थिनर, इससे मैं यहाँ पे आपको रिमूव करके दिखाऊंगा कि ये जो हमारा जो आईसी को सोल्डिंग किया वो क्लीनिंग कैसे होगा। तो देखिए यहाँ पे पीसीबी पे जो भी आईसी सोल्डिंग किया उसको क्लीनिंग कर दे रहा हूँ, जिससे ये होगा कि फ्रेंड आपका जो भी आईसी सोल्डिंग किया वो सारा क्लीनिंग हो जाएगा और आपका पूरा नीव जिससे दिखेगा, जिससे कि पता ही ना चले कि आपका यहाँ पर कभी सोल्डिंग हमने किया था। तो इस तरीके से आप अपना पीसीबी को क्लीनिंग कर सकते हैं फ्रेंड। तो चलिए मैं आपको अब यहाँ पे लगा के और इसको चेक करके दिखाता हूँ। तो फ्रेंड आपसे एक रिक्वेस्ट रहता है, जो चैनल पे न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो वो सबसे पहले आप देख पाएंगे फ्रेंड। तो चलिए यहाँ पर इसको लगा के आपको दिखाते हैं। अब मैं यहाँ पर होम थिएटर में इसको लगा रहा हूँ और तो चलिए फ्रेंड यहाँ पे आपको चेक करके दिखाते हैं। और अब मैं यहाँ पे देखिए मेरे हाथ रखने से यहाँ पे आवाज आ रही है, पहले क्या हो रहा था कि होमिंग आ रही थी डायरेक्टली, तो अभी ये प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो चुका है। तो फ्रेंड जो चैनल पे न्यू है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप देख पाएंगे। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हमारे चैनल पे मिलते रहते हैं फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड तब तक के लिए बाय।